Tihari Tarni, Swatantrata Divas par sabhi ko hardik shubhkamnaye. Is Swatantra Bharat mein paida hue, hum is desh ki swatantra nagrik hain. Humne kabhi samasyaon ko dekha nahi, jinhone hame azadi dilwai, unhone bahut se sangharsh kiye hain, bahut se balidan diye hain, apne pure ke pure parivaron ko, apne parivar sadasyon ko, bhaiyon ko, betoon ko, सबको खोया है, तब जाके हमें आजादी मिली थी। जब हमें आजादी मिली थी, तब उस समय हमारे सामने बहुत सी आशाएं थी। हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, क्योंकि हमने 200 सालों की गुलामी में बहुत कुछ खो दिया था। हमें सुख सब कुछ पाना ही था, इसलिए हमारी आशाएं भी बहुत ज्यादा थी। उसके अनुरूप हमने प्रयास भी शुरू किए, लेकिन आज भी हमारे सामने बहुत सी समस्याएं विकराल रूप से हमारे सामने पड़ी हुई है, और उनके समाधान को हम चाहते तो हैं, लेकिन उनका हल नहीं कर पा रहे। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, ये इस तरह की चीजें हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते। और आप लोग जो हैं, जो भविष्य की नींव है, ये कार्य आप कर सकते हो। आने वाले आगे के 15-20 साल जो है नीचे वो आपका समय होगा, इसलिए हमें देश की नींव को मजबूत करना जरूरी है। हालांकि हम इन 70 सालों में भी इतनी नींव को मजबूत नहीं कर पाए, बहुत सी कमियां रही, इनको दूर करने में हमारी युवा शक्ति ही कुछ कर सकती है। किसी भी राज्य के अंदर उसका मूर्त रूप जो होता है, वहाँ के लोग होते हैं। ये भारत क्या है, ये भारत में ये पहाड़ से, नदी से, नहरों से, इस क्षेत्र बल से, इससे नहीं बना है। ये भारत किससे बना है? आप लोगों से बना है, हम लोगों से बना है। अगर हम आगे सफलता प्राप्त करेंगे, हमें कोई बोर्ड पे लड़ने के लिए नहीं जाना। अगर आप इस व्यवसाय को चुनना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप घर रहकर अपने व्यवसाय को, अपने क्षेत्र को, जो आपने शिक्षा का पढ़ाने का चुना है, या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, सिर्फ आप स्वयं सफल हो जाइए, हमारा देश अपने आप ही सफल हो जाएगा। आपकी सफलता ही देश की सफलता है। मैं खास करके जो युवा वर्ग है, 9th से 12th तक क्लास में जो बच्चे हैं, क्योंकि ये बातें छोटे बच्चों को समझ में आने वाली नहीं है, खास करके जो 10th क्लास से ऊपर है, उनके लिए एक सुनहरा भविष्य है। यही आपका समय है कि आपको कई दिशाएं देखने को मिलेगी, आपके सामने बहुत से रास्ते मिलेंगे। आपको कौन सा रास्ता चुनना है जो आपको आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, उसी रास्ते पे चलिए। और मैं इसी के साथ आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।